हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू गुरु डी चैनल। भाई लोग कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत बड़े होंगे। गाइस, आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे यार 10 के स्पेशल फोटो एडिटिंग करना, क्योंकि यार मेरा फाइनली जो है यूट्यूब पे 10 के की फैमिली हो चुकी है, जिसमें कि यार मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हो रहा हूँ, और ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। गाइस, तो ऐसे ही अपने भाई पे प्यार बनाए रखना। और गाइस, आज मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मतलब मैं ना कल रात में सो रहा था, तो मेरा मतलब 10 के कम्प्लीट होने वाला था, तो मैं सोच रहा था यार सही में कल शाम तक फिर एक दिन और लगेगा मुझे, 10 के कम्प्लीट हो ही जाएगा, तो मैं इस टॉपिक पर फ़ोटो एडिटिंग मतलब यार फ़ोटोशूट पे जाता हूँ। और चलो ठीक है, मैं कल जाता हूँ फ़ोटोशूट पे, मैंने ये सोचा, और 10 के का फ़ोटोशूट करूँगा। बट फिर मैं सुबह सुबह जैसे ही उठा ना, और मैं मतलब ऐसे ही मोबाइल मतलब यूट्यूब पे गया, मैं चेक करा कि हाँ भाई चलो देखते कितना बड़ा, और फिर मैंने यार देखा अचानक से चौंक गया, भाई ये मेरे को उम्मीद था कि कल तक मैं 10 के कंप्लीट होगा, बट यार अभी जस्ट 10 के कंप्लीट हो चुका है। और फिर यार मैंने सोचा यार अब ज़्यादा लेट ना करा जाए यार फ़ोटोशूट वगैरह कर उड़ के, तो क्यों ना यार एडिटिंग से ही काम चला लिया जाए इस बार। और तो मैंने सोचा यार रिसेंटली कोई फ़ोटोशूट पे मैं गया था, तो उसमें कोई देखता हूँ पोज अगर मिल जाए तो उसका मैं कॉन्सेप्ट बना दूंगा। तो गाइस ये मुझे फ़ोटो मिला था, और मैंने इसका फिर फ़ोटो एडिटिंग कर दिया 10 के स्पेशल। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करा जाए वीडियो में कि मैंने इस फोटो को कैसे एडिट करा। तो वीडियो में गाइस आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोगों को क्या करना है वीडियो कंप्लीट देखना है, स्किप मत करना, ठीक है? बस आप लोगों से और कुछ नहीं चाहता मैं। और आप लोग यार गाइस ऐसे ही मुझ पे प्यार बनाए रखना, और आप लोगों ने यार 10 के कंप्लीट करवा दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोगों का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, एंड यहाँ पर गाइज मैंने अपने नॉर्मल फोटो को जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। आप लोगों को भी इस तरीके से पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है फोटो को। और गाइज मुझे अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, तो गाइज वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। आशा करता हूँ यार वहाँ पे भी 10K आप जल्दी से मेरा कंप्लीट करवा दोगे, मुझे पता है यार किसी न किसी दिन आप करवा दोगे। तो गाइज फोटो को ओपन करने के बाद आपको आना है ड्रॉ टूल में फोटो को लेके, एंड ड्रॉ टूल में आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है, और फोटो वाले लेयर पे आपको टैप कर देना है। ओके, यहाँ पर फिर हम गाइस इरेजर अपना सिलेक्ट करेंगे, एंड हम जो है अपने यहाँ पर हम अपने बैकग्राउंड को मैनुअली तरीके से इरेज करेंगे, ठीक है गाइस? बैकग्राउंड गाइस इरेज करने का और भी बहुत सारा तरीका है, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है उस तरीके से आप बैकग्राउंड इरेज करिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे तरीके से बैकग्राउंड इरेज करो, नहीं, जो भी आपको परफेक्ट लगता है उसी से आप अपना बैकग्राउंड इरेज करो, ठीक है? तो मैं इस तरीके से अपने बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ। ये देख सकते हो गाइस हमने फोटो को जो है बैकग्राउंड इरेज कर लिया है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे रह गया तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड गाइज अब हमारा देख सकते हो फोटो का एकदम परफेक्ट तरीके से हमने बैकग्राउंड इरेज कर लिया है, ठीक है? अब बैकग्राउंड इरेज करने के बाद गाइज आप लोगों को लेयर पे क्लिक करना है, एंड हम अपने बैकग्राउंड को ऐड करेंगे लेयर पे क्लिक करके, ठीक है? कैसे करेंगे देखो, लेयर पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर गाइज एक आपको मिलेगा प्लस का आइकन, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एंड फोटो लेयर पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है ये, एंड यहाँ से डन कर लेना है। गाइज ये मत सोचना वाइट पेज है ये, बैकग्राउंड है, ये वॉल है पूरा वॉल, ठीक है? टेक्सचर मैंने इसमें डाल रखा है बहुत ही अच्छा, तो गाइज इसी को आपको बैकग्राउंड को लेकर डाउनलोड करके यूज़ करना है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को। अब दिखा दो गाइज यहाँ पर टेक्सचर, ये देखो है ना कमाल का भाई, एकदम वॉल वाला टेक्सचर। और गाइज हमने जो है बैकग्राउंड को ऐड करा, तो हमने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके, तो हमें मतलब इधर उधर ट्रांसफॉर्म वगैरह नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली हमारा बैकग्राउंड पे सेट हो गया, इस वजह से हम यहाँ से ऐड कर रहे थे। ओके, अब गाइज करेंगे क्या, हम एक एम्पिटी लेयर बनाएंगे। अब एम्पिटी लेयर तो हमारे पास पहले से ही है, तो एम्पिटी लेयर को जो हमारा है ना उसे नीचे में रख देना है, ठीक है, मॉडल और बैकग्राउंड के बीच में, एंड हम 10 की PNG इस तरीके से ऐड करेंगे।
भाई अब यहाँ से हम करते हैं 3 डॉट पे जाके ट्रांसफॉर्म, वहाँ से हमारा भाई अनटिक हो गया था। तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करके अपने वॉल पे लगा लेंगे। एंड लगाने के बाद सिंपल यहाँ से डन कर देंगे। अब फिर गाइस हम एक एमपीटी लेयर बनाएंगे एंड इसको भी हम अपने मॉडल के नीचे लेके आ जाएंगे जस्ट, एंड ऐड फोटो पे चलेंगे और यहाँ से यूट्यूब फैमिली की पीएनजी हम ऐड कर लेंगे इस तरीके से। एंड यहाँ से हम लगा ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से अपने बैकग्राउंड पे सेट कर देंगे, ठीक है। अब गाइज हमारा बैकग्राउंड पे ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। इन दोनों को हम कर देते हैं मर्ज पहले। अब मर्ज करने के बाद इसका गाइज आपको ओपेसिटी हल्का सा कम करना है। मैं यहाँ पे 60% रख रहा हूँ, ठीक है, ओपेसिटी को आपको भी अपने हिसाब से देख लेना है। 60% आप लोग भी रख सकते हो क्योंकि आप तो यार सेम वॉल यूज़ करोगे, सेम पीएनजी यूज़ करोगे, तो 60% आपको भी रख लेना है। एंड हमारे देख सकते हो परफेक्ट यहाँ पे फोटो है, यहाँ पर हमारा ऐड वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज यहाँ से हम 3 डॉट पे क्लिक करके अपने फ़ोटो कर लेंगे सेव। एंड गाइज हम जो फाइनल रिटच देंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में, तो गाइज चलिए हम चलते हैं अपने फ़ोटो को लेके एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में। गाइज मैंने यहाँ पे लाइटरूम ओपन कर लेता हूँ पहले। एंड लाइटरूम ओपन करने के बाद ऑल फोटोज़ में चलना है आपको, प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपने जो रिसेंटली फ़ोटो हमने एडिट करा था उसको हमें ऐड कर लेना है इस तरीके से। एंड ऐड करोगे तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा फ़ोटो। फ़ोटो फर्स्ट नंबर पे आया तो इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद हम नॉर्मली जो है आप लोगों को भी पता है लाइटिंग का एडजस्टमेंट करेंगे पहले। वैसे भी हमारा लाइटिंग का एडजस्टमेंट ठीक ठाक दिख रहा है फ़ोटो में, फिर भी करेंगे हम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट में एक्सपोजर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड कंट्रास्ट को भी बढ़ाएंगे इतना। अभी देखते हैं, अभी और हम छेड़छाड़ करेंगे एक्सपोजर कंट्रास्ट में, पहले इधर देखते हैं नीचे में। तो हम शेडोज को बढ़ाते हैं थोड़ा इतना एंड ब्लैक को माइनस साइड ले जाऊंगा। इससे हमारे पता चल जाएगा कि भाई एक्सपोजर कंट्रास्ट कितना रखना है हमारे फोटो में। वाइट को थोड़ा माइनस करा है मैंने, हाईलाइट को माइनस एंड कंट्रास्ट को अब बढ़ा लेता हूँ मैं, देखो। ओके अब सिंपल हम डन कर देंगे, हमारा लाइट का एडजस्टमेंट हो गया। चलेंगे गाइस कलर वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पर गाइस सारे कलर को आप अपने मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हो, या फिर गाइस आप लोगों को देखो यहाँ पे मिल रहा है एज सॉर्ट का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको ऑटो पे कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका लाइट रूम यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देगा, ठीक है। अगर आप लोगों का मतलब नहीं कर पाते हो मैनुअली तो ऑटोमेटिकली का यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको वाइब्रेंस एंड सेचुरेशन वगैरह बढ़ा जो भी है आप अपने हिसाब से रख लेना। एंड मिक्स में चलना गाइज। मिक्स में आने के बाद आपको सबसे पहला कलर रेड कलर मिलेगा, तो रेड कलर का आपको सेचुरेशन बढ़ाना है। ऑरेंज कलर पे आना है, ऑरेंज कलर का आपको ल्यूमेंस बढ़ाना है। येलो कलर पे आना है, इसका सेचुरेशन माइनस करना है। ग्रीन पे आना है, ग्रीन का भी आपको सेचुरेशन माइनस। एंड गाइज सारे कलर का हम सेचुरेशन माइनस करते चली जाएंगे। बस पिंक कलर का हम रहने देंगे क्योंकि भाई ये पिंक कलर हमारा थोड़ा सा लिप्स पे होता है तो लिप्स भी काला हो जाएगा सेचुरेशन माइनस करोगे तो। अब गाइस यहाँ पर हम क्लियरिटी बढ़ाएंगे इफ़ेक्ट्स में आके। एंड यहाँ पर क्लियरिटी बढ़ाने के बाद विग्नेट को थोड़ा सा माइनस करेंगे, देखते हैं यहाँ। परफेक्ट, ओके। अब मिड पॉइंट को भी हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ये परफेक्ट है ना गाइस, हो गया हमारा। फैदर को थोड़ा सा डाल देना है जिससे आपके जो विग्नेट डाला है आपने उसमें पता नहीं चलेगा कि भाई आपने शैडो डाला है, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पर हम फाइनल जो है रिटच के लिए अपने फिल्टर यूज़ करेंगे एक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इफेक्ट्स फिल्टर में आ जाना है। एंड यहाँ पर गाइस एक फ़िल्टर आप लोगों को बताता हूँ, ये आर्टिस्टिक 8 का एक फ़िल्टर है, आप लोगों को इस फिल्टर को यूज़ कर लेना है, ओके। आर्टिस्टिक 8 है ये, तो आपको इस फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। एंड ये पूरा फिल्टर आप लोगों को यूज़ नहीं करना, 50% माइनस में कर देना है इस फिल्टर को।
ठीक है। फिर आपका भाई एक कलर ग्रेडिंग फिल्टर बहुत मतलब आधा से ज़्यादा का हम कंप्लीट कर दिया है ना। तो यहाँ पर देखो हमारा फोटो बिफोर या आफ्टर है ना गाइस, कलर एडजस्टमेंट, फाइनल रिटचिंग, फिनिशिंग बहुत अच्छे से हमारे में हो चुका है फोटो में। तो गाइस यही था आज की हमारी वीडियो में। आशा करता हूँ यार वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक किए बिना मत जाया करो, और फ्यूचर में और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो यार। तो गाइस चलिए ऐसे किसी नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय।